कहानी के स्टार्टिंग में साया को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही होती है। वो उससे कहते हैं कि मैं ट्रिप के लिए बाहर गई हुई हूँ, क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो। गोसो उससे कह देता है कि हाँ मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रहा हूँ। साया कहते हैं कि वापस आने के बाद मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगी, ऐसा कहकर फ़ोन कट कर देती है। बट गोसो को देखते हैं जो कि साया की स्टेप सिस्टर वी के साथ लगा रहता है। वो तो उसके साथ यहाँ पर रोमांस कर रहा होता है, लेकिन तभी उनके रूम में साया पहुँच जाती है अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज़ देने के लिए। लेकिन वो तो खुद सरप्राइज़ हो जाती है उन दोनों को इस कंडीशन में देख कर। साया को यहाँ पर मनाने की कोशिश करता है गोसो और कहता है कि नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम दोनों को खुश कर सकता हूँ, ऐसा कहकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन साया यहाँ पे उसके मेन पॉइंट पे उसे किक मार के वहाँ से भाग आती है। रास्ते में जब वो गुस्से में जा रही होती है तो कुछ गुंडे उसे उठाकर ले जाते हैं, वो भी एक गैंग के लीडर के पास। यहाँ पे वो पर्सन जबरदस्ती साया को ड्रिंक पिलाने लगता है और कहता है तुम्हारे फादर ने पूरे 50 लाख के लिए मुझे बेच दिया है तुम्हें, आज से तुम मेरी हुई, इसलिए जो मैं चाहूँ वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। लेकिन साया यहाँ पे काफ़ी स्मार्ट होती है, इसलिए उस बूढ़े को भी एक किक मारती है और वहाँ से भाग आती है। लेकिन उस ड्रिंक में कुछ मिला होता है जिस वजह से उसे नशा होने लगता है। साया को अपने आप को बचाना होता है, गुंडे उसके पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए वो कुछ कपड़े चुरा लेती है और उन्हें चेंज करके जाने लगती है, जिस वजह से वो गुंडे उसे नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन यहाँ पे उसकी तबीयत खराब होने लगती है उस ड्रिंक को करने के कारण, इसलिए उसे किसी की जरूरत होती है और उसे सामने नजर पड़ता है एक पर्सन जो कि व्हीलचेयर पर बैठा रहता है, जो कि हमारा हीरो है और उसका नाम है लेन। तुरंत ही वो उसके गार्ड को हटा देती है और लेन को जबरदस्ती रूम में लेकर चली जाती है। गार्ड सोचने लगता है कि बॉस के साथ अचानक ये क्या हुआ, क्या बॉस ने किसी लड़की को बुलाया था। उसके बाद साया को रूम में लेन के साथ दिखाया जाता है कुछ ये सब कुछ करते हुए। लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं लेन उसे बाथटब में ले जाता है और उसके ऊपर पानी डाल रहा होता है। असल में लेन को पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है, ऐसा यहाँ पे साया सोच रही होती है और उसके अंधे होने की सिचुएशन का फिर से फायदा उठाने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। लेकिन मॉर्निंग में जब आंखें खुलती है साया की तो उसे होश आता है कि उसने कल क्या किया था। वो यहाँ पे थोड़ा शर्मिंदा फील करने लगती है, झटपट अपने सारे कपड़े उठाती है और लेन की तरफ देख के सोचती है कि मैंने इस पर्सन के साथ गलत किया है तो इसे कुछ पैसे दे देती हूँ कंपनसेशन के तौर पर। इसलिए वहाँ पे कुछ पैसे रखने लगती है अपने बैग से निकाल के, बट इसी चक्कर में उसका आईडी कार्ड वहीं पर गिर जाता है। वो तो वहाँ से 9 तो 11 हो जाती है। कुछ समय बाद वही गार्ड रूम में आता है और बॉस को उठाता है। बॉस यहाँ पे उन पैसों को ध्यान से देखता है और कहता है वो लड़की मुझे ये पैसे देके गई है, इसका कोई मतलब हो सकता है क्या। यहाँ पे तभी गार्ड का ध्यान चला जाता है साया के उस कार्ड पे और वो उसे उठाकर दे देता है यहाँ पे बॉस को। तो बॉस कहते हैं कि अब मैं इसी लड़की से मैरिज करूंगा, मुझे ये पसंद आ गई है, तुम कुछ लोगों को गिफ्ट लेकर इसके घर भेज दो ताकि हमारे रिश्ते की बात की जा सके। गार्ड यहाँ पे उसके इशारे को समझ जाता है। वहीं हम देखते हैं साया को जो कि अपने घर पहुँचती है, तो यहाँ पे पूरी फैमिली उस पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसने उस पर्सन को मारा होता है जो उन्हें काफ़ी सारे पैसे देने वाले थे साया के बदले। साया कहते कि आप लोग मुझे इस तरीके से सेल कैसे कर सकते हैं। उस साया के स्टेप सिस्टर कहते कि इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा, अच्छा होगा कि तुम उससे शादी कर लो, तुम इससे रिच हो जाओगी। साया उससे कहते कि अगर तुम्हें इतना रिच होने का शौक है तो तुम उस बुढ़े से शादी क्यों नहीं कर लेती हो। यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर भी उस पर भड़कने लगती है, साथ में उसके कपड़े खोल के दिखाने लगती है डैड को, कहती कि शायद ये कल रात किसी और वाइल्ड मैन के साथ थी, इसकी हरकतें तो है ही घटिया। साया यहाँ पर गुस्से में उसे चाटे लगा देती है, लेकिन उसके फादर साया पर ही गुस्सा करने लगते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तमाशा हो रहा होता है, तभी कुछ सर्वेंट आ जाते हैं, वो भी मिस्टर लेन की फैमिली की तरफ से, और वो यहाँ पे कुछ गिफ्ट देने लगते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी से मिस्टर लेन मैरिज करना चाहते हैं। यहाँ पे वी को गलतफहमी होती है कि मिस्टर लेन शायद उससे मैरिज करना चाह रहे होंगे। तुरंत यहाँ पे वी और उसकी मम उन सारी चीज़ों को ले लेते हैं और काफ़ी खुश होने लगते हैं। साया के डैड साया से कहते हैं कि तुम्हें उसी पर्सन से मैरिज करनी होगी और वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि इसे रूम में लॉक कर दो जब तक ये बाहर ना निकले, जब तक मैं ना कहूँ। उसके बाद हम देखते हैं साया को रूम में लॉक कर दिया जाता है। कुछ समय बाद उसकी स्टेप मॉम उसके लिए फूड लेकर आती है और कहती है तुम एक डॉगी की तरह हो, इसलिए डॉगी के बर्तन में ही फूड खाओ। लेकिन साया इस मौके का फायदा उठाती है और अपनी स्टेप मॉम को धक्का देकर वहां से भाग आती है। जब वो रास्ते में जा रही होती है तो उसके पास डॉक्टर का कॉल आता है और वो बताते हैं उसके ब्रदर की कंडीशन के बारे में और उसे जल्दी हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं। साया को लिफ्ट की जरूरत होती है, इसलिए वो एक कार के सामने आ जाती है, वो कार मिस्टर लेन की ही होती है। तुरंत जैसे ही वो कार में बैठती है तो कहने लगती है प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। लेकिन वो जब लेन को देखती है तो थोड़ी हैरान रह जाती है कि कल मैं इसी पर्सन के साथ थी, अब क्या होगा। लेकिन लेन यहाँ पे अपने गार्ड से डायरेक्ट हॉस्पिटल चलने की बात कहता है। हॉस्पिटल जाने के बाद साया डॉक्टर से बात करती है, डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा ब्रदर ठीक हो जाएगा, उनका ऑपरेशन करना होगा, पैसे जमा कर दो। साया पैसा जमा करने के लिए थोड़ा मोहलत मांगती है डॉक्टर से, पर डॉक्टर कहता है कि फीस तो जमा करनी ही होगी, उसके बाद ही ऑपरेशन होगा। लिन भी यहाँ पे ये सारी बातें सुन रहा होता है, इसलिए वो बीच में कह देता है कि पेमेंट हो जाएगी और वो अपने गार्ड को पेमेंट करने के लिए कहता है। गार्ड वहाँ से डॉक्टर के साथ चला जाता है। साया यहाँ पे देखने लगती है मिस्टर लिन को और सोचती है कि शायद ये देख नहीं सकते हैं, इसलिए इन्होंने मुझे पहचाना नहीं होगा, मैं इन्हें थैंक्स कह देती हूँ।
वो यहाँ पे मिस्टर लिन को कहते हैं कि मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगी और थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। बट लिन कहता है अब हमारे बीच में रिश्ता जुड़ चुका है तो मैं थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे वो ओल्ड पर्सन आ जाता है जो कि साया को जबरदस्ती अपने साथ चलने के लिए कहता है, बट साया नहीं जा रही होती है तो वो उसे पकड़ने लगता है। मिस्टर लिन उस पर्सन के हाथ को पकड़ के मोड़ देते हैं और कहते हैं कि इस लेडी से दूर रहो। वो ओल्ड पर्सन कहने लगता है कि तुम अंधे हो और व्हील चेयर पर बैठे हो, क्या तुम इसे बचा पाओगे। वो अपने गुंडों से कहता है कि इस लड़की को पकड़ लो और ले चलो। यहाँ पे वो गुंडे फाइट करने लगते हैं। साया उनसे फाइट करने की कोशिश करती है बट मिस्टर लिन उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। पीछे से मिस्टर लिन का गार्ड आ जाता है जो कि उन गुंडों को अच्छे से पीटता है। उसके बाद वो गुंडे वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। साया यहाँ पे मिस्टर लिन को अपने ब्रदर से मिलवाती है और कहती है, ओ सॉरी आप तो देख ही नहीं सकते हैं बट आज आपने मेरी बहुत मदद की है। जो आपने पैसे दिए हैं वो भी मैं आपको थोड़े धीरे धीरे करके लौटा दूंगी बट फिलहाल मेरे पास कोई पैसे नहीं है आपको रिटर्न करने के लिए। मिस्टर लिन उसे कहते हैं कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए क्योंकि मुझे कल रात के बारे में हर चीज़ अच्छे से याद है। वो यहाँ पे उससे मैरिज करने के लिए कहते हैं। साया ये बात सुनकर तो थोड़ी हैरान हो जाती है लेकिन वो फिर मिस्टर लिन की बात मान जाती है। उसके बाद उन्हें कार में दिखाया जाता है। साया यहाँ पे चुपचाप बैठी रहती है। मिस्टर लिन उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझसे मैरिज नहीं करना चाहोगी, क्या मैं तुम्हें बुरा दिखता हूँ, मेरे अंधे होने की वजह से मैरिज नहीं कर रही हो क्या। यहाँ पे साया कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एकदम से मैरिज करना ठीक होगा क्या। मिस्टर लिन कहते हैं कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। वो यहाँ पे उससे कहते हैं कि कल जो तुमने मेरे साथ किया है उसकी जिम्मेदारी तो तुम्हें उठानी ही चाहिए। साया सोचती है कि उस बुड्ढे से शादी करने से अच्छा है कि मैं मिस्टर लिन से मैरिज कर लूँ, तो वो मैरिज करने के लिए हाँ कह देती है। मिस्टर लिन यहाँ पे अपने गार्ड को पहले घर चलने के लिए कहते हैं। घर आने पे हम देखते हैं साया शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आती है। वहाँ पर मिस्टर लिन भी बैठे रहते हैं और कुछ कपड़े रखे होते हैं साया के लिए। वो सोचती है कि मिस्टर लिन देख तो सकते ही नहीं है तो जाकर कपड़े चेंज कर ही लेती हूँ। वो मिस्टर लिन से कहती है कि क्या ये कपड़े मेरे लिए हैं। मिस्टर लिन हाँ में जवाब देते हैं तो साया उनके सामने ही कपड़े पहन लेती है लेकिन मिस्टर लिन उसे काफी ध्यान से देख रहे होते हैं। साया को ये थोड़ा अजीब लगता है इसलिए वो मिस्टर लिन की आंखों की पट्टी को हटा देती है और देखती है कि मिस्टर लिन की आंखें तो हुई है। वो उनसे कहती है कि क्या आपने सब कुछ देख लिया है, आप देख सकते हैं। मिस्टर लिन उसे हाँ में जवाब देते हैं। साया कहती है कि आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आप देख सकते हैं। लिन कहता है कि तुमने कभी पूछा नहीं। उसके बाद वो लोग अपनी मैरिज के सर्टिफिकेट के लिए फोटोज क्लिक करा लेते हैं। फिर हम कार में देखते हैं जहाँ पे साया इस बात से अपसेट होती है कि मिस्टर लिन ने उसे अपनी आंखों के बारे में नहीं बताया तो गार्ड कह देता है असल में मिस्टर लिन की आंखों का ऑपरेशन कुछ समय पहले ही हुआ है और उन्हें डॉक्टर्स ने धूप में आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कहा था, इसलिए शायद मैडम आपने गलत समझ लिया, हमारे बॉस ब्लाइंड नहीं है। साया यहाँ पे थोड़ा अफसोस मना रही होती है क्योंकि उसने मिस्टर लिन को ब्लाइंड समझा होता है। मिस्टर लिन देखते हैं कि साया थोड़ी उदास है तो वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। साया कहते हैं कि मेरी फैमिली इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। लिन कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारे घर। उसके बाद वो लोग साया के घर पहुंच जाते हैं। साया की फैमिली को जैसे ही उसके मैरिज के बारे में पता चलता है तो वो लोग सच में नाराज होने लगते हैं। उसकी स्टेप सिस्टर कहती है तुमने इस बेकार से आदमी से क्यों मैरिज कर ली, इससे अच्छा तो तुम उस बुड्ढे कर लेती, कम से कम पैसे तो मिलते, ये तो गरीब सा लग रहा है। तभी यहाँ पे साया के स्टेप मॉम साया को डिवोर्स लेने के लिए कहती है। वो लोग यहाँ पे मिस्टर लिन की कुछ ज़्यादा ही इंसल्ट करने लगते हैं तो मिस्टर लिन कहते हैं आप लोग तो पहले ही हमारे रिश्ते को मंजूरी दे चुके हैं, मैंने जो सर्वेंट के हाथ से गिफ्ट भिजवाए थे वो भी तो आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए है ना। ये बात सुन के वी और उसकी मॉम कहती है वो गिफ्ट तुम्हारी वजह से नहीं आए थे हमारे पास, वो तो मिस्टर लिन की फैमिली ने भिजवाए थे। अब तुम ये मत कहना कि तुम मिस्टर लिन हो, ऐसा कहकर वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। साया की स्टेप मॉम तो मिस्टर लिन के ऊपर पानी डालने की कोशिश करती है बट बीच में साया आ जाती है और मिस्टर लिन को भीगने से बचा लेती है। वो यहाँ पे फिर अपनी फैमिली से कहती है कि आप लोगों को जो बोलना है मुझे बोलिए बट इनके इंसल्ट मत कीजिए, ये मेरे हस्बैंड है। उसकी स्टेप मॉम उसे कुछ घटिया बातें कहने लगती है तो साया गुस्से में उन्हें एक चाटा मार देती है और कहती है कि आप अपनी हदें पार ना करें। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रामा होने लगता है तो लिन कहता है थोड़ी देर में मेरा सर्वेंट आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वो गिफ्ट्स किसने भिजवाए थे। वहाँ पे कुछ देर में सर्वेंट आ जाता है तो भी उसे कहते हैं कि क्या आप यहाँ पे मैरिज की बातें करने आए हैं अंकल, लेकिन वो सर्वेंट कहता है कि यहाँ पे मास्टर है तो मैं क्यों मैरिज की बातें करने लगा, यही तो हमारे मिस्टर लिन है। ये बात सुन के तो उनके पैरों तले से ज़मीन उड़ जाती है और वो लोग दंग रह जाते हैं। यहाँ पे साया कहते कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मेरे साथ चलो लिन। वो लोग माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक साया वहाँ से लिन को लेकर जा चुकी होती है।
जब वो लोग वहाँ से आ रहे होते हैं तो गार्ड मिस्टर लिन को कहता है कि एक पार्टी में आपको जाना है। मिस्टर लिन कहता है ठीक है मैं पार्टी में जाऊँगा और इस बार मेरी वाइफ भी जाएगी। वो यहाँ पे साया को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए कहते हैं। साया हाँ कह देती है। घर आने पर हम देखते हैं मिस्टर लिन ने उसके लिए काफ़ी सारी ज्वेलरीज और ड्रेसेस मंगवाई होती है, वो भी डिज़ाइनर। साया कहते कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं ले सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा महंगी है। बट मिस्टर लिन उसे कहते हैं कि तुम ट्राई करो। इसलिए साया वहाँ पर एक ड्रेस पहन के आती है। मिस्टर लिन जब उसे उस ड्रेस में देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। साया उनसे कहती है कि क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, बट मिस्टर लिन उसकी तारीफ करते हैं जिससे कि साया यहाँ पे थोड़ा शाय फील करने लगती है। आगे हम उन दोनों को पार्टी में जाते हुए देखते हैं। मिस्टर लिन साया से कहते हैं कि तुम पहले पार्टी में जाओ, मैं बस अभी आता हूँ। इसलिए साया पहले पार्टी में चली जाती है। वो यहाँ पे कुछ ड्रिंक्स वगैरह देख रही होती है तभी दो लड़कियों को बातें करते हुए सुनती है जो यहाँ पे मिस्टर लिन को अपाहिज कह रही होती है। और एक लड़की कहने लगती है कि मिस्टर लिन मुझसे मैरिज करना चाहते हैं बट मैं उस जैसे आदमी से कभी मैरिज नहीं करूँगी। वो लोग कुछ ज़्यादा ही इंसल्ट कर रहे होते हैं मिस्टर लिन की, ये बात साया से बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए साया जाकर उस लड़की पे ड्रिंक डाल देती है और कहती है कि जिसकी पार्टी में तुम आई हो उसी की इंसल्ट कर रही हो, ये तो ठीक बात नहीं है। तो वो लड़कियाँ साया से कहती है कि तुम हो कौन। तभी वहाँ पे गाड़ा जाता है और साया को मैडम कहता है। ये बात सुन के वो लड़कियाँ थोड़ी डर जाती है और वहाँ से निकल जाती है। साया यहाँ पे गार्ड से कहती है कि कुछ टाइम के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, इसलिए वो बाहर आकर बैठ जाती है। लेकिन वहाँ पे आ जाता है गुसू जो कि उससे कहने लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से छोड़ नहीं सकती हो, तुम्हें किसने कहा है कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगी। साया कहते हैं कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, चले जाओ यहाँ से। लेकिन गुसू तो उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम भूल गई हो कि मैं कितना रिच हूँ, तुम्हें पता चला होगा कि मैं आज इस पार्टी में आने वाला हूँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ पे पटाने के लिए आई हो और अब यहाँ पे नखरे कर रही हो, चलो मैं तुम्हें अभी मजा चखा देता हूँ। ऐसा कहकर वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर लिन और गार्ड पहुँच जाते हैं साया तुरंत उनकी तरफ भागते हुए आ जाती है। मिस्टर लिन कहते हैं गार्ड को कि इसे सबक सिखाओ। गुसू को गार्ड यहाँ पे पीटने लगता है। गुसू मिस्टर लिन से माफ़ी मांगता है और कहता है मैं आपका ब्रदर हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दे। असल में गुसू मिस्टर लिन का स्टेप ब्रदर होता है। यहाँ पे वो उसे नहीं माफ़ करता है और गार्ड को बहुत ज़्यादा पीटने के लिए कहता है। लेकिन तभी मिस्टर लिन के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और वो लिन को रुकने के लिए कहते हैं। लिन गार्ड से कहता है कि इसके एक पैर को तोड़ दो, इसने बहुत नीच हरकत की है। गार्ड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मारने लगता है गुसू को। ग्रैंडफादर फिर मिस्टर लिन को डांटते हैं और कहते हैं कि है तो ये तुम्हारा हाफ ब्रदर ही, तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, वैसे कि तुम हमारी कंपनी के हेड हो, लेकिन ये हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया है। लिन यहाँ पे कह देता है कि यहाँ पे कंपनी की बात नहीं हो रही ग्रैंडफादर, इसने मेरी वाइफ को टच किया है, मैं इसे कैसे माफ कर सकता हूँ। अगर अगली बार इसने मेरी वाइफ को हाथ लगाया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और ये मेरी लास्ट वार्निंग है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो होता है गुसू वो ग्रैंडफादर के पास जाके उनसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि ये लड़की बहुत बेकार है, पहले ये मुझे डेट कर रही थी, अब इसने ब्रदर को फंसा लिया है। यहाँ पे ग्रैंडफादर भी गुसू की बातों पे भरोसा कर रहे होते हैं। मिस्टर लिन के साथ जब साया घर जा रही होती है तो उसके पास वी कॉल करती है और कहती है अगर तुम्हें अपनी मॉम का वो फेवरेट जेड लॉकेट चाहिए तो जल्दी घर आ जाओ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम है। साया को वो चाहिए होता है इसलिए वो घर पहुंच जाती है। उस लॉकेट को देखने के बाद साया को याद आता है कि किस तरीके से वी ने उससे उसे छीन लिया था। वी कहती है कि क्या ये तुम्हें इतना प्यारा है, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। साया उससे कहती है कि क्या काम है, वो उससे उस लॉकेट को ले लेती है। तो उससे कहती है वी ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बस कल एक पार्टी है जिसमें तुम्हें चलना होगा। साया यहाँ पे वी को जाने के लिए हाँ कह देती है। नेक्स्ट देखते हैं वहाँ पर साया पहुँचती है तो वी भी गुसू को लेकर पहुँच जाती है। गुसू के पैर में चोट लगी होती है तो वो साया पे थोड़ा नखरा करता है और उसके बाद पार्टी में अंदर चला जाता है। यहाँ पे साया भी बाद में पार्टी में अंदर जाने लगती है तो उसे जाते हुए मिस्टर लिन देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो काफ़ी सारे लोग होते हैं वो साया को ये कहते हैं कि तुम्हारा तो नुकसान ही हो गया है गुसू को छोड़कर, अच्छा होता कि अगर तुम इससे ब्रेकअप ना करती, देखो ये कितना रिच है। और यहाँ पे जो होती है वी वो तो जानबूझ के इंसल्ट करने में लगी होती है साया की। साया कहते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ पे मेरी इंसल्ट करे हो तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जैसे ही वो उठ के जाने लगती है तो एक बोतल गिर जाती है ड्रिंक का और फूट जाती है। सभी लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें इसके पैसे देने चाहिए, तुमने इसे वेस्ट कर दिया। यहाँ पे एक पर्सन रोक लेता है साया को और कहता है कि मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, अगर तुम मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। वो एक तरीके से उसे छेड़ ही रहा होता है। वहाँ पे एक वेटर आता है और दो ड्रिंक की बॉटल्स रखता है और कहता है ये आपके लिए भेजी गई हैं। सबको लगता है कि ये सारी ड्रिंक गुसू ने मंगवाई है, वो भी वी के लिए।
और यहाँ पे वी भी काफ़ी इतराने लगती है कि बेबी तुम मेरे लिए इतनी महंगी ड्रिंक मंगा रहे हो। सबके सामने शो ऑफ करने लगती है कि गुसु मुझसे कितना प्यार करता है। यहाँ पे वो जो छिचोरा पर्सन होता है वो कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी करने लगता है साया के साथ। तो यहाँ पे साया उसे दूर रहने के लिए कहती है। वो पर्सन कहता है कि तुम्हें गुसु से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने नीज पर बैठ के, क्योंकि तुमने उसकी एक ड्रिंक की बोतल तोड़ दी है। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो चलो कुछ ड्रिंक्स ही पी लो। वो उसे ज़बरदस्ती कुछ ड्रिंक पिलाने लगता है, लेकिन साया उन पर गुस्सा करती है और गुसु से तो स्पेशली कह देती है कि जो तुम कर रहे हो इसका नतीजा ठीक नहीं होगा। गुसु यहाँ पे ये बात सुन के उस पर भड़क पड़ता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई बचाने के लिए आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उसके साथ काफ़ी बदतमीजी करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे लेन पहुँच जाता है और गुसु से कहता है कि शायद कल की मार के बाद तुम्हें सबक नहीं मिला है, फिर से तुम चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाए। गुसु कहता है कि नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं ब्रदर, ऐसा वैसा कुछ नहीं हो रहा है, बस यही लड़की मेरे पीछे पड़ी थी, मैं बता रहा हूँ कि इसका कैरेक्टर खराब है। जितने भी वहाँ पे और गेस्ट होते हैं वो कहते हैं क्या गुसु इसे अपना बिग ब्रदर कह रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इसकी फैमिली का हेड है। लिन को वहाँ पे देख के तो गुसु की सिट्टी पिट्टी गुल हो रही होती है। लिन कह देता है सभी से कि मैंने सोचा था कि आप लोग मेरी वाइफ के फ्रेंड है, इसलिए आप लोगों को इस होटल में फ्री में ड्रिंक और फूड खिला रहा था, बट ऐसा लगता है कि आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है, इसलिए जो भी आपने ऑर्डर किया उसकी पेमेंट आप लोगों को खुद ही करनी होगी। और वो गुसु से कह देते हैं कि खुद बिल पे कर देना, अब तुम्हें हर चीज़ के पैसे देने होंगे, अगर ऐसा नहीं किया तो इसकी पनिशमेंट भी मिलेगी। उसके बाद वो वहाँ से लेकर चला जाता है अपने साथ साया को। बाहर आने के बाद लिन कह देता है अपने गार्ड से कि अगर गुसु और उसकी फ्रेंड्स पेमेंट ना करे तो उन लोगों से टॉयलेट साफ करवा देना, लेकिन उन्हें ऐसे ही मत जाने देना। गार्ड यहाँ पे उसकी बात समझ आता है। उसके बाद रूम में देखते हैं सभी लोग परेशान होते हैं क्योंकि वेटर ने उनके सामने लंबा चौड़ा लाकर बिल रख दिया होता है। वो लोग कहते हैं कि इतना एक्सपेंसिव था ये डिनर, अब हम लोग कहाँ से पैसे देंगे। सभी लोग गुसु को बिल पे करने के लिए कहते हैं, पर गुसु कहता है कि सभी ने खाना खाया है इसलिए सभी को मिलकर बिल पे करना चाहिए, बट उसके फ्रेंड तो कमीने होते हैं। बहाना बना बनाकर वहां से भाग जाते हैं। गुसु और वी इसमें फंस जाते हैं। यहाँ पे कहने लगता है वेटर की बिल तो पे करना ही होगा, वरना आप लोग वॉशरूम साफ करने के लिए रेडी रहिए। जैसे तैसे करके गुसु अपना कार्ड देता है पेमेंट करने के लिए, बट वो कार्ड ब्लॉक होता है, ऐसा लिन ने करवा दिया होता है, जिस वजह से यहाँ पे गुसु और वी फंस जाते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं उन्हें टॉयलेट साफ करते हुए। वी कहते हैं कि तुम अपने ग्रैंडफादर को बुला लो ना मदद करने के लिए, तुम्हारे कार्ड को तुम्हारा भाई कैसे ब्लॉक करवा सकता है। गुसु कहता है कि मैंने उन्हें कॉल किया है, थोड़ी देर में वो आते ही होंगे। थोड़ी देर में वहाँ पे ग्रैंडफादर आ जाते हैं जो कि गुसु को ये सब कुछ करता देखकर उस पर थोड़ा गुस्सा करते हैं, बट गुसु यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट करता है, उनके पीछे पीछे आ जाता है, पैरों में पड़ जाता है, कहता है कि इस बार बचा लो ग्रैंडफादर, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, ब्रदर ने उस लड़की के चक्कर में मेरे कार्ड को ब्लॉक करवा दिया। यहाँ पे ग्रैंडफादर उससे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर तुम्हें उस लड़की का चक्कर छोड़ना होगा जिसके चक्कर में तुम पड़े हुए हो। यहाँ पे हाँ में जवाब देने लगता है गुसु भी, लेकिन दूर से सब कुछ भी सुन लेती है और कहती है ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि मुझे गुसु की फैमिली में घुसना है, इसलिए मैं उससे मैरिज करके ही रहूँगी। कार में देखते हैं जहाँ पे साया लिन को मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। लिन उसे कहता है कि आगे से मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स को मत छुपाना, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, और ऐसा कहकर वो उसे एक वेडिंग रिंग पहना देता है। कहता है कि जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊँगा उसके बाद तुम्हें एक अच्छी सी वेडिंग भी दूंगा। यहाँ पे ये बात सुन के साया को काफ़ी अच्छा फील होता है, इसलिए वो अपने ब्रदर से मिलने जाती है, लेकिन हॉस्पिटल जाकर उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली उसके ब्रदर को घर ले गई है। इसलिए साया पहुँच जाती है अपने घर जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स से झगड़ा करती है। उसके फादर कहते हैं कि आज से वो यहीं रहेगा, वो हॉस्पिटल नहीं जाने वाला है, पर साया कहती है कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है इसलिए उसे हॉस्पिटल में रहना चाहिए। बीच में कहने लगती है वी ये काम एक ही शर्त पे होगा, जब तुम हमारा काम कर दोगी। वो उसे कहते कि अपने हस्बैंड से कहो कि हमारी कंपनी को 2-3 बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दे दे क्योंकि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। साया कहते कि ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ। वी उसे कहते कि मैंने आज होटल में देख लिया है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कितना पसंद करता है और वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, तो एक दो डील को लाना तुम्हारे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, अगर ब्रदर को बचाना चाहती हो तो हमारा काम कर दो। साया यहाँ पे कहती है ठीक है मुझे कुछ समय चाहिए, मैं ये काम कर दूंगी, बट फिलहाल मुझे अपने ब्रदर से मिलना है। इसलिए वो लोग उसे बता देते हैं कि तुम्हारा ब्रदर ऊपर वाले रूम में है। साया जाकर वहाँ पे अपने ब्रदर से मिलती है। उसका ब्रदर कहता है कि आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हैं, इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता, पर साया कहती है ऐसा मत कहो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होगा, ऐसा कहकर वो उसे हग कर लेती है। उसके बाद देखते हैं साया को जो कि घर पहुंचती है, तो लिन उससे पूछता है कि तुम्हारा ब्रदर कैसा है। साया कहती है ठीक है, लेकिन मेरी फैमिली उसे लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रही है। यहाँ पे लिन उससे पूछ लेता है क्या बात है, साया सारी बात बता देती है, तो लिन कहता है ये काम मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, और उसके बाद वो उसके साथ रोमांटिक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं साया को जो कि कुछ पेपर्स को लेकर अपनी फैमिली के पास पहुँच जाती है और कहती है मैंने आपका काम कर दिया है, अब आप लोग मेरे ब्रदर को फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें। लेकिन उसके फादर और उसके स्टेप मॉम मना कर देते हैं, कहते हैं कि अभी तक ये डील डन नहीं हुई है, जब तक पूरा काम ना हो जाए
हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। साया उनसे कुछ कहती है तो उसके फादर उस पर हाथ भी उठा देते हैं और वहाँ से घर से भगा देते हैं। साया इस बात से काफ़ी अपसेट होती है, लेकिन तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है और वो कहते हैं कि तुम्हारे भाई के लिए डोनर मिल गया है, लेकिन कुछ पैसे और चाहिए होंगे ऑपरेशन करवाने के लिए। साया सोचती है कि मिस्टर लिन को ऑलरेडी मैंने बहुत परेशानियों में फंसा दिया है, इसलिए अब मैं उन्हें तंग नहीं करूँगी, खुद अपनी मदद करूँगी, और वो जॉब करने का सोचती है। उधर हम देखते हैं ऑफिस में काम करते हुए लिन को, जिसे असिस्टेंट से पता चलता है कि साया एक जॉब कर रही है, अब वो भी उनके दूसरे कंपनी में, और उसे पता भी नहीं है कि वो कंपनी भी मिस्टर लिन की है। यहाँ पे लिन कहता है ठीक है, इस बारे में वैसे वाइफ को पता नहीं चलना चाहिए, मैं सरप्राइज़ देने के लिए जाऊँगा कंपनी में और उससे वहाँ पर मिलूँगा। हम देखते हैं साया को, जो कि कंपनी ज्वाइन कर लेती है और उसे हेड से मिलवाया जाता है, तो हेड कोई नहीं बल्कि वहाँ पर होता है गुसु। गुसु साया से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे जॉब मेरी वजह से ही मिली है, अगर मैं ना चाहता तो तुम्हें जॉब नहीं मिलती। साया उसे देखकर कहती है कि मैं जॉब छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन वो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए हैं। यहाँ पे साया को लगता है कि अब वो और ज़्यादा अपना और अपने ब्रदर का बर्डन मिस्टर लिन पे नहीं डाल सकती है, इसलिए काम करने के लिए हाँ कह देती है। जानबूझ के उसे गुसु भी कुछ ज़्यादा ही पाइल्स थमा देता है और वो ऑफिस से बाहर आ जाती है। उसके बाद एक और लड़की आती है गुसु के पास, जो कि उससे फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि आज आपकी एक मीटिंग है कुछ क्लाइंट के साथ। यहाँ पे कहने लगती है वो लड़की कि मैं आपके साथ चलूंगी ताकि कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा सकूं, लेकिन यहाँ पे गुसु कहता है कि मैं चाहता हूँ साया मेरे साथ जाए, इसलिए तुम साया को कह दो कि वो रेडी हो जाए आज रात को जाने के लिए। वो लड़की आके साया को इस बारे में बताती है, लेकिन उस पर गुस्सा भी करती है, सोचती है कि गुसु उसमें इंटरेस्टेड है, बट साया कहती है कि तुम खुद क्यों नहीं चली जाती हो, मुझे नहीं जाना है, बट वो लड़की कह देती है बॉस का ऑर्डर है तुम्हें जाना होगा, जॉब करनी है तो करो वरना जॉब छोड़ के चली जाओ। साया मजबूर होती है इसलिए गुसु के साथ उस पार्टी में जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन गुसु यहाँ पे गलत इरादे से आया हुआ होता है। वो यहाँ पे साया को ड्रिंक करने के लिए कहता है और जितने भी वहाँ पे क्लाइंट होते हैं वो भी उसे फोर्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के चक्कर में साया यहाँ पे काफ़ी ड्रिंक कर लेती है, वो वॉशरूम जाती है। इसी बीच गुसु को देखते हैं जो उसकी ड्रिंक में कुछ मिक्स कर देता है और उसके बाद बाकी क्लाइंट से कहता है कि आप लोग इस लड़की के साथ मजे करना, मैं जा रहा हूँ घर। यहाँ पर वो क्लाइंट काफ़ी खुश जाते हैं। साया वहाँ पर आती है तो बॉस को नहीं पाती है तो कहती है वो कहाँ गए। वो लोग कह देते हैं कि वो अपने काम से कहीं गए हैं, तुम हमारे साथ बैठ के लास्ट ड्रिंक कर लो, उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे। साया यहाँ पे ऐसा कर देती है और उसके बाद उसे नशा होने लगता है और वो तीनों बदमाश यहाँ पे उसके साथ बदतमीजी करना शुरू करते हैं, ये कहकर कि तुम्हारे बॉस तुम्हें हमारे पास छोड़ के गए हैं ताकि आज रात हम तुम्हारे साथ एंजॉय कर सके। दूसरी तरफ देखते हैं असिस्टेंट को, जो कि लिन को इस बारे में बता देता है कि मैडम खतरे में है। ये सुनने के बाद यहाँ पे लिन को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने पैरों पर ही खड़ा हो जाता है। असिस्टेंट ये देखकर खुश होता है कि बॉस आप ठीक हो गए हैं। यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग साया के साथ काफ़ी बदतमीजी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे पहुँच जाता है मिस्टर लिन, उन लोगों से फाइट करता है और उन्हें साया से दूर कर देता है। वो यहाँ पे साया को बचा लेता है और अपने गार्ड से कहता है कि इन लोगों को अच्छे से सबक सिखाना, इन्हें इनकी औकात दिखा दो, इन्होंने मेरी लेडी को छूने की कैसे कोशिश की। वो लोग कहते हैं कि इसे तो गुसु हमें देखे गया था, हमें नहीं पता था कि आपकी लेडी है, वरना हम इसे कभी हाथ नहीं लगाते, बट मिस्टर लिन उन्हें माफ़ नहीं करते हैं। उसके बाद देखते हैं मिस्टर लिन साया को हॉस्पिटल ले आते हैं। कुछ समय बाद उसे होश आता है तो वो काफ़ी डरी हुई होती है और एकदम से मिस्टर लिन को हग कर लेती है। ये देखकर गार्ड यहाँ पे हंसने लगता है। मिस्टर लिन साया से कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। वो यहाँ पर उसके फोरहेड पर किस भी कर देते हैं। आगे देखते हैं मिस्टर लिन को, जो कि उसी कंपनी में जा रहे होते हैं जहाँ पे गुसु होता है। गुसु डर के मारे अपने ग्रैंडफादर को हेल्प के लिए कॉल करता है, लेकिन तब तक मिस्टर लिन वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मिस्टर लिन गार्ड को ऑर्डर देते हैं, जिस वजह से गार्ड काफ़ी गुसु को मारने लगता है। गुसु यहाँ पे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन गार्ड उसे बहुत ज़्यादा मारता रहता है और मिस्टर लिन भी बहुत गुस्से में होते हैं। कहते हैं कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तभी वहाँ पे ग्रैंडफादर आ जाते हैं और लिन को ऐसा करने से रोकते हैं। गुसु तुरंत ग्रैंडफादर के पीछे जाके छिप जाता है और कहता है देखिए ब्रदर मेरे साथ कैसा कर रहे हैं। यहाँ पे लिन भी कह देता है कि अब बहुत हो चुका है ग्रैंडफादर, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम एक लड़की की वजह से ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, वैसे भी वो घटिया है, ये तुम्हारा ब्रदर है ये मत भूलो, और तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हो, आगे हमें गुसु की ज़रूरत होगी कंपनी को रन करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे मिस्टर लिन अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और लिन को यहाँ पे अपने पैरों पर खड़े हुए देखकर वो लोग हैरान होते हैं। लिन कह देता है ग्रैंडफादर को कि मुझे ऐसे पर्सन की लाइफ में कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, मैं अब लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि ये मेरे रास्ते में ना आए, वरना ग्रैंडफादर मैं
अगली बार आपकी बात भी नहीं सुनूंगा, ऐसा कहकर और उन्हें वार्निंग देकर मिस्टर लिन वहां से चले जाते हैं। यहां पे जो गुसू होता है वो ग्रैंडफादर से कहता है कि देखिए ये तो आपकी बात भी नहीं सुन रहा है। ग्रैंडफादर यहां पे गुसू को ही डांटते हैं और कहते हैं कि तुम उसे गुस्सा क्यों दिलवाते हो, क्या तुम भूल गए हो कि पूरा बिजनेस उसके कंट्रोल में है। तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलते तो है अपनी लाइफ काटने के लिए, इसलिए अपनी लाइफ काटो लेकिन प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। यहाँ पे गुसू कहता है कि क्या मुझे कंपनी के शेयर्स नहीं मिलेंगे। ग्रैंडफादर उसे मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जिस बात से यहाँ पे गुसू भी काफ़ी नाराज नजर आता है। उसके बाद देखते हैं मिस्टर लिन के पैरों पे खड़े होने की बात पता चल जाती है वी को भी, और गुसू को डांट पड़ी है ये भी पता चल जाता है, इसलिए वी को गुस्सा आने लगता है। वो पहुंच जाती है साया के ब्रदर के पास उसे परेशान करने के लिए और कहते हैं कि तुम्हारी सिस्टर कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रही है, उसे हमारे सामने घुटने टेकने ही होंगे। यहाँ पर वो उसे इतना परेशान करती है कि साया के ब्रदर की तबीयत ख़राब होने लगती है, वो मेडिसिन लेने लगता है तो उन्हें भी छीन लेती है वी, और उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हुए उसका वीडियो बना लेती है और भेज देती है साया के पास। साया जैसे ही उस वीडियो को देखती है तो तुरंत घर आ जाती है और अपने ब्रदर को मेडिसिन देने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे आ जाती है वी की मॉम भी। वी यहाँ पे फिर से साया से मेडिसिन छीन लेती है और उसकी मॉम उसके ब्रदर को पकड़ लेती है। यहाँ पे कहती है वी, पहले तुम अपने नीस पे बैठ के मुझसे माफ़ी मांगो, शायद तब मैं तुम्हें ये मेडिसिन रिटर्न कर दूँ। साया यहाँ पे अपने भाई की बिगड़ती हुई हालत को देख कर परेशान हो जाती है और वो नीस पे बैठ के माफ़ी भी मांगने को तैयार होती है यहाँ पे वी से, लेकिन वी उसे ना तो मेडिसिन रिटर्न करती है और ना ही उसके भाई को छूने देती है, और साथ में वो उसे भी एक रूम में लॉक कर देती है। कुछ समय बाद देखते हैं मिस्टर लिन को जो कि पहुंच जाते हैं साया के घर पे ही। वो कहते हैं कि मेरी वाइफ लास्ट टाइम यहीं आई थी, वो घर नहीं पहुंची है, क्या वो यहाँ पे है। लेकिन साया के पेरेंट्स उसे झूठ कह देते हैं, असल में साया के डैड को तो पता भी नहीं होता है कि साया यहाँ पे है। यहाँ पे बीच में वी उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर लिन उसे रास्ते से हटा देते हैं और रूम में जाकर साया को ढूंढ लाते हैं। साया के पेरेंट्स यहाँ पे डरे हुए होते हैं। साया के स्टेप मॉम अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, कहते हैं कि बस मैं इसे सबक सिखा रही थी क्योंकि ये शायद आपकी बात भी नहीं मानती है। लेकिन मिस्टर लिन कहते कि सबक तो अब मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। वो साथ में साया के ब्रदर को भी वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेके आ जाते हैं। साया को जब होश आता है तो वो अपने ब्रदर के बारे में पूछती है। मिस्टर लिन कहते हैं कि तुम्हारा भाई ठीक है, चिंता करो, वो दूसरे वार्ड में है। साया देखने को कहती है। लिन कहता है कि पहले तुम रेस्ट करो, ठीक हो जाओ, उसके बाद जाना। साया यहाँ पे उन्हें मदद करने के लिए फिर से थैंक्स कहती है तो मिस्टर लिन कहते हैं कि तुम्हें मुझे ऐसे थैंक्स नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसे किस करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं मिस्टर लिन साया का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे साया की फैमिली पहुँच जाती है। उसके फादर कहते हैं कि मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए लाया हूँ, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते हो, मुझे उसे ले जाना है। पर साया कह देती है कि मेरा भाई आपके साथ कहीं नहीं जाएगा, आप लोग उसे सिर्फ परेशानी करते हैं। यहाँ पे मिस्टर लिन भी कह देते हैं कि वो 18 प्लस हो चुका है, इसलिए आप उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं। साया की फैमिली यहाँ पे उन पर गुस्सा करने लगती है। तभी वहाँ पे साया का ब्रदर आ जाता है। उसके फादर साथ में चलने के लिए कहते हैं बट वो जाने से मना करता है और अपनी चोटों को दिखाता है, कहता है कि आपकी फैमिली सिर्फ मुझे परेशान करती है, आपने कब मुझे अपना बेटा माना है। यहाँ पे दिखावे के तौर पर साया के फादर उसके स्टेप मॉम को थप्पड़ मार देते हैं। उसकी स्टेप मॉम भी अच्छा बने का दिखावा करती है और उसे घर जाने को कहती है, बट वो घर जाने से मना कर देता है। साया के फादर गुस्से में उससे कहते हैं कि तुम मुझसे मेरे बेटे को दूर कर रही हो, पर साया कहती कि आपने कभी हमें अपनी फैमिली समझा ही नहीं है। वो यहाँ पे उस वीडियो को दिखाती है जिसमें वी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है उसके ब्रदर को और कहती है देखिए आप लोग कैसे ट्रीट करते हैं। साया यहाँ पे अपने डैड से कहती है कि अगर फिर से आप लोगों ने हमें परेशान करने की कोशिश की तो इस वीडियो को मैं पुलिस में दे दूंगी, उसके बाद आपकी प्यारी बेटी को जेल हो जाएगी। ये बात सुन के वी उस पर गुस्सा करने लगती है लेकिन वी की मॉम उसे रोकती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे कहता है साया का ब्रदर कि आप मेरी वजह से बहुत परेशान हो चुकी हैं, अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगा। लेकिन साया कहती है कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि तुम्हें डोनर मिलने वाला है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, लेकिन वो इलाज कराने से मना कर रहा होता है। तो यहाँ पे उसे समझाने लगता है फिर लिन और कहता है कि जल्दी तुम ठीक हो जाओगे, तुमने ही तो कहा है कि बड़े होने के बाद तुम्हें अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए इलाज तो करवाना ही होगा। अब वो उसे एब्रॉड भेजने की बात कहता है लेकिन साया का ब्रदर कहता है लेकिन आपको फिर मेरी सिस्टर का अच्छे से ध्यान रखना होगा, यहाँ पे उसे प्रॉमिस कर देता है लिन भी। यहाँ पे उनकी बात मान जाता है साया का ब्रदर और इलाज कराने के लिए हाँ कह देता है। यहाँ पे असिस्टेंट को देखते हैं जो कि लिन से कहता है कि आपको कल अपने ओल्ड हाउस जाना होगा क्योंकि आपके डैड की
डेथ एनिवर्सरी आ रही है और ग्रैंडफादर ने आपको घर आने के लिए कहा है। लिन कहता है कि मेरे साथ मेरी वाइफ भी जाएगी इस बार। वी और गुसू को एक साथ कार में देखते हैं जहाँ पे गुसू को चिपक रही होती है वी और कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी फियांसे के तौर पे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन गुसू कहता है कि ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में और प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ऐसा कहकर वो उसे दूर कर देता है। उससे वी कहते हैं कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो गुसू उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। जब वहाँ पर पहुँचते हैं साया और मिस्टर लिन तो वो लोग कहते हैं कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, इसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन ग्रैंडफादर कह देते हैं जैसे तुम्हारी वाइफ ये है उस तरीके से गुसू ने अपने लाइफ पार्टनर को चूज कर लिया है, इसलिए तुम इसे घर आने से नहीं रोक सकते हो। ग्रैंडफादर फिर यहाँ पे मिस्टर लिन से कहते हैं कि जब तक तुम अपने फादर की ग्रेव के सामने प्रे नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें अपनी वाइफ के साथ एक रूम में नहीं रहना है, तुम दोनों आज रात अलग अलग रूम में रहने वाले हो, इसलिए वो उन्हें सेपरेट रूम में भेज देते हैं। हम देखते हैं जब अपने रूम में होती है साया तो वहाँ पे पहुँच जाती है वी उसके लिए एक ग्लास दूध लेकर और कहती है मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपनी गलतियों के लिए, प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कर ले। लेकिन साया कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और ना ही ये पीना है, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन उसके सामने ड्रामा करने लगती है वी, कहती कि अगर मैं नीस पे बैठ के माफ़ी मांगूँ तो क्या आप मुझे माफ़ कर देंगी, लेकिन अगर ऐसा होते हुए ग्रैंडफादर ने देख लिया तो वो आपको ही गलत समझेंगे, इसलिए आप इसे एक्सेप्ट कर ले और मुझे माफ़ कर दे। यहाँ पर मजबूर हो जाती है साया क्योंकि वो नहीं चाहती है कि वी वहाँ पे कोई ड्रामा क्रिएट करे क्योंकि ऑलरेडी मिस्टर लिन के ग्रैंडफादर उसे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो और ज़्यादा सीन यहाँ पे नहीं क्रिएट करवाना चाह रही थी, इसलिए उस दूध को एक्सेप्ट कर लेती है और थोड़ा पी भी लेती है। लेकिन उसे पीने के बाद उसे अजीब सा फील होने लगता है, वो समझ जाती है कि वी ने इसमें शायद कुछ मिलाया है। दूसरी तरफ देखते हैं वी को जो कि गुसू से जाके कहती कि मेरा काम हो गया है अब बाकी का काम तुम्हें करना है, कुछ ऐसा करो जिसके बाद तुम्हारे ग्रैंडफादर उसे घर से बाहर निकाल दें। इसलिए हम गुसू को देखते हैं जो कि आ जाता है साया के रूम में, साया उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है बट गुसू कहता है कि अब नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि तुम्हें बाहर निकालने का सिर्फ यही तरीका है, ऐसा कहकर वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। पर टाइम से वहाँ पर मिस्टर लिन आ जाते हैं जो कि गुसू को पीट देते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद वो कंडीशन देखने लगते हैं साया की, साया उनके करीब आती है लेकिन एकदम से रुक जाती है और कहती है कि आपको यहाँ से जाना होगा क्योंकि ग्रैंडफादर ने आज हमें अलग रहने के लिए कहा है, वो उन्हें वहाँ से भेजने लगती है। बट मिस्टर लिन समझ जाते हैं कि साया को उनकी ज़रूरत है, वो यहाँ पे उस आधे ग्लास को देखते हैं जिसमें दूध होता है और उसे खुद पी लेते हैं और कहते हैं कि अब मुझे तुम्हारी मदद करने से कोई नहीं रुक पाएगा। दोनों यहाँ पे हीट में होते हैं तो एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से रोमांटिक पल बिताते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बारे में ग्रैंडफादर को पता चल जाता है वी और गुसू से। ग्रैंडफादर उन दोनों पर नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि एक दिन भी तुम लोग एक दूसरे से अलग नहीं रह पाए, सच में तुम्हें तो किसी की परवाह ही नहीं है। वो दोनों यहाँ पर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि इसमें हमारी गलती नहीं थी, लेकिन ग्रैंडफादर फिर भी उन्हें डांटते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग ग्रेव पे प्रे करने जाते हैं जहाँ पर जो होता है गुसू कुछ ज़्यादा ही रोना धोना करता है और कहता है कि डैड मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे साया को वॉमिट होने लगता है, ये देखकर वी कहती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो साया, सभी लोग उसकी तरफ गौर से देखते हैं। यहाँ पे वी कहती है कि पता नहीं किस किस के साथ तुम्हारा रिश्ता था इसलिए तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो। लेकिन यहाँ पे साया कहती है कि तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली मत उठाओ, अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हुई तो वो बेबी सिर्फ मिस्टर लिन का ही होगा। लेकिन वी यहाँ पे उल्टी बातें ही उसके लिए कहती है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लिन साया को घर ले आते हैं, डॉक्टर चेक करके बता देता है कि सच में वो प्रेग्नेंट है। साया कहती है कि मिस्टर लिन ये सच में आपका बेबी है, आपको मुझ पर भरोसा तो है ना। लेकिन मिस्टर लिन उसे कोई जवाब नहीं देते, तभी उनके पास कॉल आता है, वो साया से कहते हैं कि तुम रेस्ट करो और उसके बाद रूम से बाहर आ जाते हैं। बाहर हम ग्रैंडफादर को देखते हैं जिनके पास आकर गुसू और वी कहने लगते हैं कि सच में वो बेबी कभी भी मिस्टर लिन का नहीं हो सकता है। यहाँ पे कहने लगता है गुसू भी कि मेरा उसके साथ 5 साल का रिश्ता रहा है, वो सच में चिपकू लड़की है, हो सकता है वो मेरा बेबी हो, क्यों ना हम टेस्ट करवा ले। ऐसा डाउट वो ग्रैंडफादर के दिमाग में डाल देते हैं जिस वजह से वो सभी पहुंच जाते हैं साया के पास और उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले जाने को कहते हैं, पर साया जाने को तैयार नहीं होती। लेकिन ग्रैंडफादर और सभी मिलकर उसे फोर्स करते हैं और ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले भी आते हैं ताकि उसका टेस्ट करवाया जा सके। इधर हम देखते हैं असिस्टेंट के थ्रू इस बारे में मिस्टर लिन को पता चलता है तो वो भागते हुए हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर गुसू को देखकर उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ग्रैंडफादर उन्हें रुकने के लिए कहते हैं पर फिर भी मिस्टर लिन नहीं रुक रहे होते हैं और गुसू भी कहता है कि वो बच्चा तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है, शायद वो मेरा बच्चा हो क्योंकि मेरा उससे कुछ ज़्यादा ही लंबा रिलेशन रहा है। ये बात सुनकर मिस्टर लिन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है इसलिए वो उसे बहुत पीटते हैं। तभी पीछे से आ जाती है वी और उन्हें रुकने के लिए कहती है और कहते हैं कि रिपोर्ट आ चुकी है, वो उस रिपोर्ट को
सबको दिखाती है, जिसमें लिखा होता है कि सच में वो बेबी मिस्टर लिन का नहीं है। तभी वहाँ पे साया को लाया जाता है। वो लोग साया को भी ये बात बताने लगते हैं, लेकिन साया मिस्टर लिन से कहती है कि ये सब कुछ झूठ है। मिस्टर लिन कहते हैं नर्स से कि इसे रूम में लेके जाओ। उसके बाद वो गुसु को फिर से मारते हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं लिन से कि तुम उस बेकार की लड़की को डिवोर्स दे दो, वो हमारे घर में रहने के लायक नहीं है। मिस्टर लिन को देखते हैं जो कि साया से जाके मिलते हैं। साया कहते हैं कि मिस्टर लिन ये सच नहीं हो सकता है, सच में ये बेबी आपका ही होगा क्योंकि मेरा कभी किसी से रिश्ता नहीं रहा है। मिस्टर लिन उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये जो भी प्रॉब्लम है मैं इसे सॉल्व कर लूंगा, तुम बस रेस्ट करो, और वो उसे घर जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं साया घर आ जाती है। उससे मिलने के लिए वहाँ पे आती है फिर से वी और कहती है मानना पड़ेगा मिस्टर लिन को सच पता चल गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें अपने घर में आने की इजाज़त दे दी है, शायद उनका दिल कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। लेकिन साया कहती कि तुम यहाँ पे क्या लेने आई हो, हमारे बीच में क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो। लेकिन वी कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मिस्टर लिन ने मुझे भेजा है, क्योंकि वो इसे अबॉर्ट करवाना चाहते हैं। यहाँ पे उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और काफ़ी मारपीट भी। उसके बाद साया कह देती है कि मैं तुम्हारी कभी भी इन झूठी बातों पर भरोसा नहीं करूँगी, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, और वो उसे ज़बरदस्ती वहाँ से भेज देती है। कुछ समय बाद देखते हैं ग्रैंडफादर साया को अपने पास बुलाते हैं और उसे पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम लिन का पीछा छोड़ दो, तुम्हें पैसे ही तो चाहिए। साया कहते हैं कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो ग्रैंडफादर को समझाती भी है कि ये बेबी मिस्टर लिन का ही है, रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ हुई होगी, लेकिन ग्रैंडफादर उसकी एक बात नहीं सुनते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि क्या सच में लिन तुमसे प्यार करता है? नहीं, वो तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी तो एक बचपन की स्वीट हार्ट है। ऐसा कहकर वो उसे एक फ़ोटो दिखा देते हैं जिसमें दो लोग साथ में होते हैं और वो साया को सलाह देते हैं कि तुम इसे छोड़ दो। साया को लगता है कि शायद मिस्टर लिन सच में किसी और से प्यार करते होंगे, इसलिए वो ग्रैंडफादर की बात मान लेती है और वहाँ से जाने का डिसीजन लेती है। उसके बाद वो अपने ब्रदर से फोन पे बात करती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। साया को देखते हैं जो कि इस बात से काफ़ी दुखी होती है, लेकिन वो घर में डिवोर्स पेपर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लिन जब उसे ढूंढते हुए आते हैं तो उन्हें डिवोर्स पेपर्स मिलते हैं। वो ये देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं और अपने गार्ड को पता लगाने के लिए कहते हैं साया के बारे में। कुछ समय बाद कार्ड उन्हें वापस कॉल करता है और पता लगाकर बताता है कि एक्चुअली वो आपके ग्रैंडफादर से मिलने गई थी, उन्होंने उन्हें पैसे ऑफर किए थे घर छोड़ने के लिए, बट मैडम ने पैसे नहीं लिए, लेकिन वो घर छोड़ के जा चुकी है और वो भी अपने ब्रदर के पास अब्रॉड में। यहाँ पे ये बात सुनकर मिस्टर लिन समझ जाते हैं कि ये सब कुछ ग्रैंडफादर ने किया है। गार्ड कहता है कि क्या मैं मैडम को वापस लेकर आऊँ, लेकिन यहाँ पे मना कर देता है। लेकिन यहाँ पे लिन उसे वापस लाने से मना कर देता है और कहता है कि तुम वहाँ पर सिर्फ उसका ध्यान रखो, वो भी दूर से, उसे पता ना चल पाए कि तुम लोग उन पर नज़र रख रहे हो। गार्ड यहाँ पे समझ जाता है। उसके बाद देखते हैं मिस्टर लिन को जो कि अपने ग्रैंडफादर के पास आते हैं और उन्हें एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उस रिपोर्ट को देखने के बाद ग्रैंडफादर को पता चलता है कि साया का बेबी तो सच में मिस्टर लिन का ही बेबी था। मिस्टर लिन यहाँ पे ग्रैंडफादर से कहते हैं कि आपने जो किया है वो ठीक नहीं है, शायद मैं इसके लिए आपको कभी माफ ना करूं। ग्रैंडफादर को अपनी गलती का एहसास होता है। सारी सच्चाई जानने के बाद ग्रैंडफादर की तबीयत यहाँ पे खराब हो जाती है। लिन ये देखकर परेशान होता है तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, बट वो अभी खतरे से बाहर है। वहाँ पे लिन कहता है कि आप लोग मेरे ग्रैंडफादर का अच्छे से ध्यान रखना, उन्हें किसी से मिलने मत देना ताकि वो परेशान ना हो। डॉक्टर यहाँ पे उनकी बात समझ जाते हैं। ऑफिस में लिन को काम करते हुए देखते हैं, वहाँ पे गुसु आता है और उससे झगड़ा करता है ये कहकर कि तुम मुझे ग्रैंडफादर से क्यों नहीं मिलने दे रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हें ही मिल जाए, इस कंपनी में मेरा भी हक है, मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। उसे समझाता है यहाँ पे लिन कि फिलहाल ग्रैंडफादर खतरे में है, इसलिए तुमसे दूर रहने के लिए कह रहा हूँ, जब वो ठीक हो जाए तो उनसे मिल लेना। लेकिन गुसु को उसकी कोई बात समझ भी नहीं आती है और वो तो उससे झगड़ा करने लगता है। लिन कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो गार्ड तुम्हें उठा के यहाँ से ले जाएंगे। यहाँ पे उससे कहता है गुसु कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा और वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट आता है तो मिस्टर लिन पूछते हैं कि मेरी वाइफ वहाँ पे कैसी है। असिस्टेंट बताता है कि वो ठीक है और आपके और उनके ब्रदर का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया है, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? बट लिन कहता है नहीं, फिलहाल उसे वहीं पे रहने दो, बस दूर से उनका अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद हमें पूरे 4 साल का लीव दिखाया जाता है। हम देखते हैं साया को, उसके साथ एक बेबी बॉय होता है और वो यहाँ पे अपने ब्रदर के साथ होती है। कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं और काफ़ी खुश नजर आते हैं। उसके बाद साया का ब्रदर उससे कहता है कि आपसे मिस्टर लिन मिलने नहीं आए हैं, पूरे 4 साल हो गए हैं, क्या आप वो आपको भूल चुके हैं? अगर ऐसी बात है तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए सिस्टर। ये बात साया का
बेटा सुन लेता है और कहता है, नहीं मॉम, आपको अभी किसी से मैरिज नहीं करनी है क्योंकि मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूँ। उसके बाद वो वॉशरूम का बहाना लेकर वहाँ से दूर आ जाता है। यहाँ पर वो बच्चा अपनी बॉस से अपने डैड को कॉल मिलाता है और कहता है, डैड आपको जल्दी से मॉम के पास आना होगा वरना वो किसी और से मैरिज कर लेंगी। उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं जल्दी तुम्हारी मॉम से मिलता हूँ। साया को देखते हैं जो कि अपने ब्रदर से कहते हैं कि अब समय आ गया है कि मुझे वापस जाना चाहिए क्योंकि मैं अपनी मॉम की कंपनी को अब अपने हाथों में लेने वाली हूँ। और वो अपने ब्रदर से कहते हैं कि तुम मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना। उसका बेटा कहता है कि मैं अच्छे से रहूँगा अंकल के साथ, आप जाइए क्योंकि बाद में तो मैं भी वहाँ आने ही वाला हूँ। लेकिन साया उसकी इस बात को समझ नहीं पाती है। हम देखते हैं मिस्टर लेन के असिस्टेंट को जो कि उन्हें बताता है कि आपकी वाइफ कंट्री में वापस आ चुकी है, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे। लिन भी यहाँ पे कहता है हाँ, अब इंतजार खत्म हुआ, जो पेपर्स मैंने तुम्हें रेडी करने के लिए कहे थे क्या वो तुमने रेडी कर दिए हैं। असिस्टेंट कहता है वो तो कब के रेडी हो चुके हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वी को जो कि कंपनी की हेड बनी हुई होती है। उसे उसकी असिस्टेंट आके कहती है कि नए इंचार्ज आ चुके हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। वी सोचती है कि वो कोई मेल होगा इसलिए थोड़ा सा अपने ड्रेसअप को ठीक करती है और मिलने जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे साया आ जाती है। साया को देखकर वो कहते हैं कि तुम मरी नहीं हो, अब तक जिंदा हो। साया कहते हैं कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली हूँ क्योंकि जो मेरी चीज़ें तुम्हारे पास है मैं उन्हें लेने आई हूँ। अब वो कहते कि इस कंपनी की नई हेड मैं हूँ। लेकिन उसकी बातों को सुन के हंसने लगती है वी और कहते कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। साया यहाँ पे उसे कुछ पेपर्स दिखाती है और कहते कि अब ये हो चुका है, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वी कहते कि मॉम डैड ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तभी वहाँ पे मॉम डैड भी आ जाते हैं जो कि साया पर गुस्सा करते हैं। पर साया कहती है कि आप लोगों ने बहुत राज कर लिया है मेरी मॉम की कंपनी में। वो अपने डैड को बता देती है कि कोर्ट के हिसाब से इस कंपनी को मैं जीत चुकी हूँ। वो यहाँ पे कह देते हैं कि मॉम की वेल के हिसाब से ये कंपनी मुझे और मेरे ब्रदर को दी गई थी लेकिन इतने सालों से आपने इसे अपने कंट्रोल में रखा था, अब आपका समय खत्म हो चुका है। उसके डैड भी उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि हम लोग तुम्हें मीटिंग में देख लेंगे। उसके बाद शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग होती है जहाँ पे कुछ लोग कहने लगते हैं कि आप इस कंपनी को हैंडल नहीं कर पाएंगी, आपके डैड को ही इस कंपनी को मैनेज करना चाहिए। वैसे भी ये कंपनी लॉस में जा रही है और आप कह रही है कि आप अपने मॉम डैड को हटा रही है, ये डायरेक्टर है इस कंपनी के, हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो लोग यहाँ पे साया के अगेंस्ट बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर लेन आ जाते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल देते हैं साया को, कहते हैं कि ये पूरे 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है जो मैं आपकी कंपनी के थ्रू करना चाहता हूँ। ये बात सुन के सारे शेयर होल्डर फिर यहाँ पे साया का सपोर्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें तो कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है, डायरेक्टर चाहे कंपनी का कोई भी रहे। यहाँ पे लेन को देख के थोड़ी साया भी हैरान होती है लेकिन वो मीटिंग को ख़त्म कर देती है। लेकिन साया के डैड मॉम उस पर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन जब मिस्टर लेन को साया का सपोर्ट करते हुए देखते हैं तो वो भी गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं काम करूँगा कंपनी में। लेकिन मिस्टर लेन कहते हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, तुम तो वैसे भी इस कंपनी में आज तक फ्रॉड ही करते आ रहे थे। यहाँ पे मिस्टर लेन उसे कुछ फाइल्स दिखाते हैं जिनके हिसाब से साया के फादर ने सिर्फ कंपनी में फ्रॉड किया होता है। साया भी कह देती है कि अब आपको आपके जुर्मों की सजा मिलेगी। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है उसके फादर और उसकी स्टेप मॉम को पकड़ने के लिए और वो लोग उन्हें साथ ले जाते हैं। यहाँ पे मिस्टर लेन साया से बात करने की कोशिश करते हैं पर साया कहते कि हमारा तलाक हो चुका है। मिस्टर लेन कहते कि मैंने पेपर्स पे साइन नहीं किए थे इसलिए तुम अभी भी मेरी वाइफ हो। यहाँ पे साया कहते कि फिर आपने इतने सालों में मुझसे एक बार भी मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। तभी यहाँ पे असिस्टेंट कहने लगता है कि मैडम बॉस ने तो हमेशा आपका ध्यान रखा है। असिस्टेंट यहाँ पे कहता है कि बेशक बॉस आपसे दूर थे लेकिन उन्होंने हमेशा आपका बहुत ध्यान रखा है, वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए उन्हें माफ़ कर दे। यहाँ पे मिस्टर लेन भी उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि बस मैं सही टाइम का वेट कर रहा था। साया यहाँ पे कहती है कि मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। उसके बाद वो कार में भी यही सब कुछ सोच रही होती है तो साया की असिस्टेंट भी उसे यही कहती है कि बॉस आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका उन्होंने दूर से बहुत ध्यान रखा है इसलिए आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए। साया कहती है कि क्या उन्हें हमारे बेटे के बारे में भी पता है, तो असिस्टेंट कह देती है हाँ, और आपका बेटा भी जानता है कि उनके फादर कौन है। उधर हम देखते हैं गुसू को जो कि ग्रैंडफादर के पास होता है और उनके कान भर रहा होता है, कहता है कि वो कंपनी को अकेले कैसे कंट्रोल कर सकता है, ग्रैंडफादर आपको उसे रोकना चाहिए। तो ग्रैंडफादर उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। उसके बाद देखते हैं साया अपने बेटे के साथ आती है मिस्टर लेन के पास। मिस्टर लेन अपने बेटे को गोदी में उठा के कहते हैं कि क्या ये मेरा ही बेटा है। लेकिन लेन कहता है डैड अब बहुत हो चुका है, आपको मॉम से फिर से मैरिज कर लेनी चाहिए। साया कहते हैं कि अब बातें बहुत हुई, चलिए डिनर करते हैं। वहाँ पे आ जाते हैं गुसू और
ग्रैंडफादर भी। गुसू उन्हें साथ में देखकर ग्रैंडफादर से कहता है, देखिए वो लड़की फिर से वापस आ गई है ब्रदर की लाइफ में, वो पक्का पैसों के लिए ही वापस आई हुई होगी। ग्रैंडफादर एक काम कीजिए, आप सारी कंपनी के शेयर्स मुझे दे दें और अपनी शेयर्स भी मुझे दे दें, उसके बाद मैं कंपनी का हेड बन जाऊँगा और उस लड़की को ब्रदर की लाइफ से बाहर भेज दूंगा और उसके बाद ब्रदर को कंपनी फिर से रिटर्न कर दूंगा। एक यही तरीका है हमारे बिजनेस और ब्रदर को बचाने का। ग्रैंडफादर को पता होता है कि गुसू कितना कमीना है, इसलिए वो उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि सच में तुम हमारी फैमिली के लायक ही नहीं हो, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। ऐसा कहकर वो उसे हटा देते हैं वहाँ से। यहाँ पे हम देखते हैं साया को जो कि अच्छे से डिनर कर रही होती है फैमिली के साथ, तभी वहाँ पे ग्रैंडफादर पहुँच जाते हैं और उस बच्ची को देख के कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा बेटा है। लिन यहाँ पे हमें जवाब देता है, लेकिन लिन का बेटा ग्रैंडफादर से नाराज होता है क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने उसकी मम को डांटा होता है। ग्रैंडफादर यहाँ पे अपनी गलती के लिए साया से माफ़ी मांगते हैं और प्यार से अपने ग्रैंडसन को ट्रीट करते हैं। उसके बाद देखते हैं वो सभी एक साथ डिनर करते हैं। यहाँ पे मिस्टर लिन साया को उसके घर पे छोड़ने आते हैं तो साया उन्हें जाने के लिए कहती है, लेकिन साया का बेटा कहता है कि मैं आज आप दोनों के साथ सोना चाहता हूँ, इसलिए मॉम डैड को घर में बुला ले। इसी चक्कर में साया यहाँ पे मिस्टर लिन को घर में आने के लिए हाँ कह देती है। साथ में तीनों बेड पे होते हैं जहाँ पे बेटा नोटिस करता है कि वो दोनों नर्वस है और एक दूसरे से कोई बात भी नहीं कर रहे हैं, तो वो वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है और उन दोनों को अकेला छोड़ देता है। इस मौके का मिस्टर लिन फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और वो साया के थोड़े करीब भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम से कहने लगती है साया कि अब तक बेटा वापस क्यों नहीं आया है हमारा, मैं उसे चेक करती हूँ जाके। बट वो रूम से बाहर जाती है तो रूम लॉक रहता है। साया यहाँ पे अपने बेटे को दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन एकदम से उसका बेटा बाहर से कहता है कि डैड अब आप अपनी वाइफ को संभाल ले, मैंने अपना काम कर दिया है। तभी वहाँ पे मिस्टर लिन आ जाते हैं साया के करीब और वो उसे बाहर जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो एक बार। वो यहाँ पे साया को गले ही लगा लेते हैं पर साया उनसे नाराज होती है। मिस्टर लिन कहते हैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, इतने साल तुमसे दूर रहा ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं क्योंकि मुझे पता था गुसू और ग्रैंडफादर कुछ कर सकते हैं, जब तक ग्रैंडफादर की गलतफहमी दूर ना हो जाए मैं तुम्हें सेफ रखना चाह रहा था और उसके बाद ग्रैंडफादर की तबीयत खराब हो गई। वो यहाँ पे उसे सारी बात समझा देता है, लेकिन साया फिर भी नाराज होती है और कहती है कि आपकी ऑलरेडी बचपन की एक स्वीट हार्ट है। ये बात सुन के मिस्टर लिन हंसते हैं और कहते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो, याद करो। तो यहाँ पे साया को भी फिर सारी बातें याद आ जाती है। मिस्टर लिन कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कहकर उसके साथ रोमांटिक हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक समय बिताते हैं। नेक्स्ट डे देखते हैं साया को जो कि अपने बेटे को स्कूल के लिए ड्रॉप करती है, लेकिन बीच रास्ते में उसे वहाँ से उठा के ले जाता है गुसू। गुसू और वी ने उसे मिलकर किडनैप किया होता है। यहाँ पे साया का बेटा उन्हें देखकर कहता है कि अच्छा ये दोनों वो इडियट्स हैं जो मेरे मॉम डैड को परेशान करते हैं, चलो मैं इन्हें सबक सिखाता हूँ। वो उनसे अपना मुँह खोलने के लिए कहता है तो वी उसका मुँह खोल देती है। उसके बाद साया का बेटा वी की तारीफ करता है, कहता है कि आप तो बहुत ब्यूटीफुल है, फिर आप इन अंकल के साथ क्या कर रही है आंटी, आपको तो मेरे से मैरिज करनी चाहिए, ऐसे प्यारी प्यारी बातें वो करने लगता है। और इसी बीच अपनी बॉस से वो अपने मॉम डैड के पास कॉल भी मिला देता है और उन्हें अपनी लोकेशन सेंड कर देता है। यहाँ पे उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है साया और मिस्टर लिन को, इसलिए वो उसे बचाने के लिए वहाँ पे जाने लगते हैं। यहाँ पे फिर मिस्टर लिन का बेटा बात करने लगता है गुसू से और उसे भी हैंडसम कहता है और कहता है कि मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, मेरे मॉम डैड मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वो लोग तो सिर्फ काम में ही बिजी रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनसे कुछ ज़्यादा पैसे मांगे ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके। यहाँ पे ये बात सुन के कहने लगता है गुसू सच में तुम तो काफ़ी समझदार हो, मुझे बताओ कि हम उनसे ज़्यादा पैसे कैसे मांग सकते हैं। वो उसे अपने करीब आने के लिए कहता है और इसी बीच उसको एक किक मार देता है जिसके बाद वो लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पे साया और लिन पुलिस को लेकर पहुँच जाते हैं। पुलिस यहाँ पे उन दोनों को पकड़ के ले जाती है और मिस्टर लिन और साया अपने बेटे को बचा लेते हैं और साथ में खुश रहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये ड्रामा यहाँ पे खत्म हो जाता है। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नए ड्रामे के साथ, तब तक दोस्तों गुड बाय एंड टेक केयर।